I hope everyone is doing good. So in today's video, I'll be presenting an extreme living room makeover. अगर आपने मेरा previous video नहीं देखा है, then do check it out because आपको वहाँ पे सारे updates मिल जाएंगे that what kind of home makeover series I'm going to start. तो सबसे पहला जो home makeover series का video है, वो आज का video है that is living room makeover. और इस living room makeover के लिए मैंने सारे लोकल मार्केट्स और होलसेल मार्केट्स को ही एक्सप्लोर किया है अपने नेटिव में. और अगर आप भी इस दिवाली अपने घर में कुछ मेकओवर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लोकल मार्केट्स या होलसेल मार्केट्स को जरूर एक्सप्लोर करिए. वहां पे आपको बहुत ही अच्छे आइटम्स या प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी रीजनेबल रेट में. साथ ही साथ मैंने इस लिविंग रूम मेकओवर में अपना ओल्ड फर्नीचर ही यूज किया है और कुछ फर्नीचर को मैंने मेकओवर दिया है, जैसे कि सोफा आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने ओल्ड फर्नीचर को रेनोवेट करिए या उसे यूज करके देखिए. अगर वो बेस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है. एंड इफ यू रियली लाइक वॉचिंग माई वीडियोज देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे. साथ ही साथ यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और वहां पर मैं डेली अपडेट देती रहती हूँ अबाउट माई DIY आइडियाज एंड होम डेकोर आइडियाज. साथ ही साथ आपको वहाँ इंटरेस्टिंग फोटोज भी देखने मिल सकते हैं, तो वहां पे मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द लिविंग रूम. सो गाइज, इट्स Day 1 और Day 1 पे हम सोफ़ा मेकओवर करने वाले हैं. दिस इज़ एन ओल्ड सोफ़ा जो हमारे पास अराउंड 10 years पहले का है, तो हम इसके कवर को चेंज करेंगे. ये काफ़ी ओल्ड कवर हो चुका है, इसे हम एक नया सा कवर लगाएंगे. और कवर के लिए मैं वाइट कवर चूज़ कर रही हूँ बिकॉज इसमें हम जिससे कि कलर्स ऐड कर सकें थ्रू कुशन्स. तो ये पूरा चेंज होने वाला है. सो गाइज, कवर चूज़ करने के लिए आई वेंट टू सना फर्नीचर. अगर जो भी लोग मेरे नेटिव मतलब जबलपुर में रहते हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर में, तो वो सना फर्नीचर जा सकते हैं जो आधारताल में सिचुएटेड है. वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगे और रीज़नेबल रेट भी रहेगा. तो मैंने वहाँ से ही कवर चूज़ किया है और सोफ़े का मेकओवर भी जो हुआ है वो उनके थ्रू ही हुआ है. हमने जो सोफ़े का मेकओवर करवाया है वो घर पर ही करवाया है. ये कारपेंटर्स हमारे घर पर आकर सोफ़े को एकदम नया लुक दिया है. तो अगर इस दिवाली आप भी चाहते हैं अपने सोफ़े को नया लुक देना चाहते हैं तो अपने ओल्ड फर्नीचर को बेचने या नया फर्नीचर लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप उसी को रेनोवेट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है. तो मैंने अपने ओल्ड सोफ़े को एक नया लुक दिया है बाय जस्ट चेंजिंग द कवर. तो ये वो कवर चूज़ किया था मैंने, वाइट कलर का क्लॉथ है, कॉटन और जूट में मिक्स है ये. इसका कवर उन्होंने घर पर ही बनाया है. कवर के साथ साथ मैंने जो उसका सीटिंग है वो भी थोड़ा सा फ्लफी बनवाया है, तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा फोम लगवाया है, आप देख सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने फोम को मेजर करके कट करके सोफे पे अप्लाई किया है. ओके, दिस इज़ दी एडहेसिव जो कि रबर या फोम वगैरह को अडहेर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो आप देख सकते हैं पहले का जो फोम है या सीटिंग है वो बहुत ही लो है, अब दब चुकी है, तो हमने इसको थोड़ा सा उठाया है. वी जस्ट एडिंग सम लिटिल बिट ऑफ फोम शीट. नाउ यू कैन सी कि हमारा कवर अप्लाई हो चुका है, उसे स्टैपल किया जा रहा है. इस तरीके से तीनों सोफे का मेकओवर हुआ है, द 3-seater एंड 2-seaters. नाउ सोफ़ा मेकओवर कम्स टू एन एंड. इस तरीके से तीनों सोफ़ों में हमने नया कवर अप्लाई किया है और थोड़ा सा इसमें एक नया सा लुक देने के लिए बटन्स भी अप्लाई किए हैं. तो इस तरीके से हमारा जो सीटिंग है वो तैयार है. अब हम वो सीटिंग को फ्रेम में अप्लाई करेंगे और कारपेंटर भैया ने बहुत हेल्प करी, इवन सोफ़ा क्लीन भी कर दिया.
तो आप देख सकते हैं जो गद्दी है उसको हमने फ्रेम पे इस तरीके से डाला है एंड द सोफा इज रेडी। गाइस आज डे वन कंप्लीट हो गया और डे वन सिर्फ सोफा मेकओवर हुआ है, तो हमने सोफा का पूरा कवर चेंज किया है, इसे अब हमने व्हाइट कलर में चेंज कर दिया है। आप अगले दिन हम देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट डे हम क्या प्लान करने वाले हैं कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, प्लान भी खरीदना है और अब देखते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं। सो गाइस इट्स डे टू, फिर से हम शॉपिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब हमने सोफे के कवर को चूज़ करने गए थे तभी ये मेरे मम को ये स्टैंड बहुत पसंद आया था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये वाला स्टैंड तो लेना ही है, तो हमने ये वहीं से चूज़ कर लिया था। अब इसमें पॉलिश होके ये हमारे घर पे आ जाएगा, तो ये 3 स्टेप का स्टैंड है। नेक्स्ट फिर हम गए मार्केट, जबलपुर का फेमस मार्केट है होलसेल मार्केट नोन एज नरघैया, वहाँ पर हमने लाट शॉप करके एक शॉप है, वहाँ से हमने पर्दे चूज़ किए। तो कर्टन्स मैंने शीयर कर्टन्स लिए हैं ब्राउन कलर में, ब्राउन एंड क्रीम मिक्स है जो कि हमारे फ्लोर से काफ़ी मैच करेगा, तो ये वो कर्टन है जो मैंने पसंद किया है। नेक्स्ट वी वेंट टू गेट सम कर्टन एसेसरीज जैसे कि कर्टन ब्रैकेट्स वगैरह, तो ये हमने यहाँ से ही चूज़ किए हैं। ये जबलपुर में घंटाघर के पास जो भी शॉप्स हैं हार्डवेयर शॉप्स और इस तरीके की शॉप्स बहुत सारी हैं, उसी शॉप में से हमने ये सिलेक्ट किए। तो हमने ये स्टील रॉड विद स्टील ब्रैकेट चूज़ किया है और जो उसका एंड पोर्शन है वो वुडन का है। सो गाइज इट्स डे थ्री में हमने मेकओवर स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने कर्टन रॉड्स अप्लाई की है और इसके बाद कर्टन्स, तो हमने सारे कर्टन रॉड्स विद कर्टन्स अप्लाई कर दिए हैं। नाउ कम्स माय फेवरेट थिंग, पेंटिंग्स। यस सो दीज आर मधुबनी पेंटिंग्स जो कि मैंने पहले ही बना ली थी। अगर आप ये पेंटिंग्स का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये पेंटिंग्स मैंने दूसरों फाइन लाइनर पेंस के थ्रू बनाई हैं। अब इसके बेस में मैं कलर्स देने वाली हूँ, ऑल ब्राइट कलर्स जो कि मेरे कारपेट और कुशन कवर्स से मैच करेंगे। सो हियर यू कैन सी दैट आई एम अप्लाइंग पेंट एंड द पेंट्स आई हैव यूज्ड हियर आर ऑल एक्रेलिक पेंट्स। सो गाइज ऐसे मैंने 4 पेंटिंग्स बनाई हैं, तो 2 पेंटिंग्स में सेम कलर होने वाला है दैट इज़ पर्पल कलर, और बची हुई 2 पेंटिंग्स में जो कि फिश पेंटिंग है वो उसमें मैं येलो कलर करने वाली हूँ। सो यू कैन सी दैट आई एम अप्लाइंग येलो कलर। Now here I'm using the old frames, ये already मेरे पास थे, तो ऐसे मैं 4 frames use करने वाली हूँ, 2 छोटे हैं और 2 बड़े size के हैं, और उसमें मैं ये painting लगाने वाली हूँ। दिस इज एन एम्प्टी वॉल, यहाँ पे हम कुछ पेंटिंग्स लगाएंगे। वो पेंटिंग्स मैंने बनाई है एंड दैट पेंटिंग्स आर मधुबनी पेंटिंग्स, तो हम यहाँ पे फ्रेम्स लगाएंगे, one here, one here, one will be up and one will be down, तो ऐसे हम 4 frames लगाने वाले हैं।
गाइस मीट्स माय फादर जिन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे मेकओवर में. इवन माय मॉम हेल्प्ड मी अ लॉट. सारी शॉपिंग मैंने उन्हीं के साथ की है. तो गाइज पेंटिंग्स भी हैंग हो चुकी है. नाउ इट्स टाइम टू एडजस्ट द सोफ़ा. तो हम सोफ़ा को सेट करने वाले हैं. आप देख सकते हैं सोफ़ा मेकओवर होने के बाद बहुत ही चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. पहले के कवर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और वुडन टेक्सचर से मैच भी कर रहा है. तो इस तरीके से हमने तीनों सोफ़े को सेट कर दिया है. Now it's time to clean this passage area जो कि stairs के पास है. तो इसे मैं पहले clean कर रही हूँ और यहाँ पर मैं एक दीवान रखने वाली हूँ. जी हाँ. So I'll be using my old furniture. वैसे मैंने सारा ही old furniture use किया है. सिर्फ वो shelf जो है वो new लिया है. तो ये मैं दीवान यहाँ पर set करने वाली हूँ. ये आपने जो पैसेज देखा है जो स्टेयर्स के नीचे है उसके लिए परफेक्ट दीवार है. इसका साइज है 2x6 feet, मतलब ये 2 feet चौड़ा है और 6 feet लंबा है. तो हमें ये हमारे पास ये पहले से ही था. ये हमारा ओल्ड फर्नीचर है तो हम इसको यहाँ यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा एक दीवार परफेक्टली सेट हो गया है. इवन कॉर्नर में कुछ स्पेस भी है जहाँ पे हम कुछ और डेकोरेटिव आइटम या लैम्प वगैरह रख सकते हैं. तो इस तरीके से ये स्पेशियस है और स्पेस भी है निकलने के लिए काफी. Now it's time to clean and mop the whole space. So guys, after cleaning, I'll be adding carpet on this floor. तो जो मैंने कारपेट लिया है वो भी अपने जबलपुर नेटिव से ही लिया है. दिस आई गॉट फॉर ₹4700. यस. और ये पर्शियन काइंड ऑफ कारपेट है. पर्शियन स्टाइल में है. आप देख सकते हैं लिटिल बिट ऑफ बोहेमियन आल्सो बिकॉज ऑफ सो मेनी कलर्स. और इसके थ्रू मेरे हॉल में या लिविंग स्पेस में कलर भी ऐड हो गया है बिकॉज एवरीथिंग इज हेयर इन वुडन टेक्सचर एंड इन क्रीम टोन. तो आप देख सकते हैं कारपेट काफ़ी अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे मैंने ये सेंटर टेबल जो है वो पहले की ही है हमारी सेंटर टेबल, उसे ही यूज़ किया है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम कुशन्स. तो मैंने ये कुशन्स भी लिए हैं और मैंने बहुत ही कम शॉपिंग ऑनलाइन की है. लाइक दिस कुशन कवर्स आई गॉट फ्रॉम अमेजोन फॉर ₹530. आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ. सो या आई वॉज टेलिंग कि मैंने बहुत ही कम शॉपिंग ऑनलाइन की है. मेनली मैंने सारा जो होलसेल मार्केट है और लोकल मार्केट है उसे ही एक्सप्लोर किया. मुझे बहुत सारी चीज़ें वहीं से ही मिल गई और काफ़ी रीजनेबल रेट में मिली. तो आप देख सकते हैं जो हमारा सोफ़ा है उस पर एक कलरफुल कुशन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि एक कारपेट से काफ़ी मैच कर रहे हैं इवन विथ माई पेंटिंग्स. गाइज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लान अ मेकओवर या जब भी आप कोई मेकओवर करने वाले हो तो आप एक थीम को ज़रूर सेट करिए जिससे काफ़ी कुछ एक स्टेबल कलर्स मैच हो जाते हैं और मिक्स एंड मैच नहीं होता है. नाउ इट्स day 4 और day 4 में हम ये नेक्स्ट जो वॉल है उसे डेकोरेट करने वाले हैं. और उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने चूज़ की है बास्केट्स. यस. सो ऑन दिस वॉल आई एम गोइंग टू हैंग दिस बास्केट्स. आपने इंस्टाग्राम में या बहुत से होम डेकोर ऐप्स में आपने देखा होगा कि आजकल इस तरीके की बास्केट टांगने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. तो मैं ये बैम्बू बास्केट्स लेकर आई हूँ लोकल मार्केट से. बहुत ही रीजनेबल रेट में मिली है मुझे ये. आई थिंक ये 90 या 100 की है एंड दिस वॉज फॉर ₹75. यस. तो ऐसे 2-3 बास्केट्स हैं उसको हम यहाँ वॉल पर इस तरीके से हैंग करेंगे विथ अ क्लॉक. जो हमारे पास क्लॉक है वो भी इसी के कलर की है, ब्राउन कलर की है. तो ये परफेक्ट मैच हो जाएगा. तो चलिए हम इसे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मैंने बास्केट्स और क्लॉक हैंग करना स्टार्ट कर दिया है.
ओके, ये जो आप येलो कलर के बास्केट्स देख रहे हैं ये भी मैंने ऐड किया है, एंड दीज आर वेरी चीप, आई थिंक 30-15 की है। सो गाइस, ये बास्केट होल डेकोर एकदम रेडी है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, होप आप सबको भी पसंद आएगी। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो क्लॉक है ये गिफ्टेड है, अगर इसका लिंक मुझे मिल जाएगा तो मैं श्योर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखने के लिए, और भी जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने मिल। ये जो बेंच है या छोटा सा काउच कह सकते हैं, ये बेंच मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी। अगर आपने मेरा होम डेकोर हॉल वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ ये शो नहीं किया था, इसको मैं सरप्राइज रखना चाहती थी। तो ये मैं बंजारा मार्केट से लाई हूँ जस्ट फॉर ₹1200। यस, ये मुझे कोट किया गया था 2800 समथिंग का, तो मैंने तो 1000 बोला था लेकिन फिर मुझे 1200 में मिला। काफी स्टर्डी है, तो मैंने सोचा ये बास्केट के साथ ये काफी अच्छा मैच करेगा, तो ये जो कॉर्नर एकदम परफेक्ट हो चुका है और बास्केट और क्लॉक और इन सब का कलर मैचिंग है। गाइस, मैंने ये पिलो कवर मंगवाया है, काफी सुंदर है और बहुत ही ज्यादा बोहो चिक स्टाइल में है विद थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, आप देख सकते हैं। ये अमेजोन से मैंने मंगवाया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो इस चेयर पे हम ये कुशन, नाउ हेयर आई हैव एडेड दिस मैट जो कि मैं लोकल मार्केट से लाई हूँ फॉर ₹40। येस, नाउ इट्स टाइम टू एडजस्ट दिस शेल्फ इन बिटवीन द बेंच एंड सोफा। अब उसके बाद हमने प्लांट शॉपिंग करने के बाद बहुत प्लांट्स को रिपॉट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अरेका पाम को रिपॉट कर रही हूँ। Now let's come and enjoy DIY. Yes, तो ये जो जूट का कपड़ा है ये मुझे मिला है ₹3 per meter, तो मैं बहुत सारा लेकर आई हूँ फॉर माई फर्दर यूज इन DIY ideas. तो यहाँ पे मैं ये जो पॉट है उसको कवर करने वाली हूँ इससे, तो मैंने इस तरीके से इसको काटा है और देन हॉट ग्लू गन से इसको स्टिक करके इसका कवर बनाया है मैंने। तो इस तरीके का जूट बैग सॉर्ट ऑफ कवर रेडी है, आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं और इवन पॉम पॉम्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको सिंपल ही रखा है। हियर माय फादर इज हेल्पिंग इन रिपॉटिंग। पापा से हाय। Now it's time to add some plants and decorative items on this shelf. तो ये जो glass vase देख रहे हैं, this I got as a gift. Actually, my parents got it as a gift. तो हम मैं यहाँ इसे use करने वाली हूँ। Now for me, without plants, सब कुछ खाली खाली लगता है, so I'll be adding more and more plants. Like here, I've added this Song of India. और सोफे के जो साइड में जगह है यहाँ पे मैंने एंथ्रोनियम ऐड किया है। और जी, दिस वाज फॉर ₹160 आई थिंक सो, तो मुझे वो 140 में मिली है शायद। हाँ, तो इसको हम हैंग करेंगे विंडो पर आर्टिफिशियल लीफ हैंगिंग। Now the space on this wall, जो कि पैसेज एरिया पे ये जो वॉल है यहाँ पे मैं ये गणेशा पेंटिंग हैंग करने वाली हूँ। दिस ऑल्सो वी गॉट एज अ गिफ्ट। तो यहाँ पे सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो जो पहले के गिफ्ट आइटम्स हैं मिले हुए हैं वही सब मैंने यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार पे मैंने एक कलरफुल बेडशीट अप्लाई की है। सारा कुछ मैंने जो शॉपिंग की है वो एक माइंड में थीम को सेट करके शॉपिंग की है, तो आप देख सकते हैं सब कुछ मैचिंग है। और ये जो कुशन्स है ये ओल्ड कुशन्स है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें कुशन कवर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये एरिया भी सेट हो चुका है। दिस रग आई गॉट फॉर ₹300 फ्रॉम लोकल मार्केट ओनली। ओके, सो
ये कर्टन को बांधने वाली डोरी है, ये भी मैं कर्टन जब खरीद कर लाई थी उसी के साथ ये कर्टन एसेसरीज भी लेकर आई हूँ। दिस आई गॉट फॉर ₹25 पर पीसेस फॉर 25। तो इस तरीके से मैंने सारे कर्टन्स के लिए लेकर आया है। नाउ ऑन दिस साइड आई विल बी हैंगिंग दिस विंड चाइम, दिस ऑल्सो वी गॉट एज अ गिफ्ट। ओके, सो अर्लियर आई टोल्ड यू कि जो दीवान के साइड में स्पेस है तो उस स्पेस को हम यूटिलाइज करेंगे। लैम्प जो कि हमें गिफ्ट में मिला है तो इसी को हम यूज करने वाले, काफी इंटरेस्टिंग है लैम्प और बहुत ही बोहेमियन टाइप का है विद ऑल कलर्स और सेरेमिक है विद ग्लास। मुझे इसकी डिटेल्स काफी अच्छी लगी तो मैं इसे यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसे ऑन करके देखते हैं कैसा लगता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी इशूज़ मैंने ये लैम्प ये दीवान के साइड में यूज़ किया है और यहाँ पे वैसे भी कोई लाइट वगैरह नहीं थी तो ये लैम्प परफेक्ट है। ये राइस लाइट है, ये मुझे दिवाली शॉपिंग में मिला है, मैंने यही अपने नेटिव से लिया है। दिस आई गॉट फॉर ₹430 है। बहुत दिनों से इस तरीके का राइस लाइट देख रही थी विद बल्ब, ये प्लास्टिक के बल्ब्स हैं, ओरिजिनल बल्ब्स नहीं है, ग्लास बल्ब्स नहीं है। ये चाइनीज प्रोडक्ट है इसलिए इतना सस्ता मिला है, वरना मैं बहुत दिन से जब अमेजोन वगैरह में देख रही थी तो ये बहुत कॉस्टली है, उस पर अराउंड अबव 1000 है, कुछ 1100 समथिंग या 1200 समथिंग ऐसा कुछ है और ये मुझे मिला है सिर्फ 430 में। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब हम इसे एक कॉर्नर पे हैंग करने वाले हैं और इसके साथ मुझे ये अडेप्टर भी मिला है, ये डायरेक्ट स्विच बोर्ड पर हम लगा सकते हैं सो इलेक्ट्रिसिटी से ये ऑन हो जाएगा। सो लेट्स हैंग दिस। ओके, सो जो 3-सीटर सोफ़ा है उसके साइड में जो स्पेस है वहाँ पे मैं ये हैंग करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलो टेप के थ्रू इसे हैंग किया है, सेलो टेप से वॉल ख़राब भी नहीं होगी और ये बहुत ही हल्का है तो ये टंग भी जाएगा। सो गाइस, हियर इज़ द फाइनल रिवील। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये लिविंग रूम मेकओवर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और साथ ही साथ आने वाले वीडियोज़ को भी मिस नहीं करिएगा। इसके बाद बहुत ही अच्छा मेकओवर आने वाला है, बहुत सारे मेकओवर्स मैंने प्लान किए हैं तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।